हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से मेरे एक वीडियो में। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि रिपेयरिंग करते समय हम सोचते हैं हमारा काम ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म होने की बजाय काम वहाँ से शुरू हो जाता है और थोड़ी सी हड़कबाजी भी हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि मैंने लावा A1 का इसका मैंने चार्जिंग जैक गिरा। चार्जिंग जैक डालने के बाद मैंने इसकी बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज चेक करें, तो जब वोल्टेज चेक करें वोल्टेज पूरे प्रॉपर आ रहे हैं, तो वोल्टेज प्रॉपर आने का मतलब आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब मैंने इसमें बैटरी लगाने के बाद स्क्रीन पे देखा तो स्क्रीन बस यहीं पर ही जो इसके लोगो पर है वहाँ पर हैंग हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ा। तब थोड़ी सी टेंशन और बढ़ गई कि अब ये क्या हो गया। अब इसके बाद क्या करा मैंने सोचा भाई हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो। पीछे जैक में जैक भी पूरा चेक कर लिया, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं मिली। और ये देखो, ये चार्जिंग जैक निकाल के बाद भी हैंग ऑन लोगों पे हैंग रहा। मैंने इसकी बैटरी निकाली, बैटरी दोबारा लगाई, सेट को ऑन किया, सेट ऑन हो गया। सेट ऑन है लेकिन अब इसमें चलिए चार्जिंग जैक लगाते हैं, कोई चार्जिंग शो नहीं हुई। जैक हटाया कुछ नहीं हुआ, फिर लगाया फिर ना हुआ। तो इस तरह से कई बार टेंशन हो जाती है, काम बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो इसका पत्ता है, कीपैड वाला पत्ता, ये हटा दिया। ये हटाने के बाद यहाँ पे इसके पॉइंट होते हैं वी बैट का पॉइंट होता है और एक और होता है बैटरी ऑन के साथ साथ एक दो पॉइंट और भी होते हैं। ये वी बस का भी पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। सब पर वोल्ट चेक की, ये देखो ये ग्राउंड का है और मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ क्योंकि जूम में तो हो नहीं पाएगा। इसके ग्राउंड पे भी बैठते ये देखिए, यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं 390। वी बैट ऑन पे यहाँ पे भी वोल्टेज मिल गया 2.75 करीब। तो भाई अब आप सोचो कि अब आदमी का दिमाग कहाँ जाएगा। चलो भाई चलो चार्जिंग के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। चार्जिंग के वोल्टेज ये देखिए, ये भी मिल रहा है। जब सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ सही है, तो भैया फिर डिस्प्ले क्यों नहीं आ रही। तो ये कई बार हो जाती है, जो खामा खाकी हैडबाजी कर लीजिए या आदमी का बुरा समय चल रहा होता है उस समय, मतलब ये कुछ बेकार की परेशानी ज़बरदस्ती बढ़ जाती है और इसका फॉल्ट कुछ भी नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा तो परेशान हुआ। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, इसकी जो ये बैटरी है बैटरी को निकाला, दूसरी बैटरी को जब मैंने डाला इसको, अब मैं चेक करता हूँ। देखिए चार्जिंग ऑन हो गई और चार्जिंग शुरू भी हो गई।
कुल मिला के कहने की बात ये है कि फॉल्ट जो था इस बैटरी का था। बैटरी में क्या था, इसका जो नीचे वाला पॉइंट है, इसका बीच वाला पॉइंट सही से काम नहीं कर रहा। अब आप देखिए, अब मैं ये चार्जर लगाऊंगा, ये देखिए चार्जर कनेक्टेड, चार्जर रिमूव। तो कई बार ऐसे हो जाता है दोस्तों, जो मैंने बैटरी लगाई है उसको लगा के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी बैटरी लाइन, जो ये पॉइंट है इस पर वोल्टेज आ गया, वी बैट ऑन पे भी आ गया, और वी बस यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहे हैं। तो कुल मिला के वोल्टेज सेम सी थी, इसलिए दिमाग बैटरी की तरफ गया नहीं। तो ऐसा फॉल्ट कभी आपके साथ ना हो, मतलब ऐसी परेशानी आपको भी ना झेलनी पड़े, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए एक बार ये दोनों जो बैटरियाँ हैं इनकी पोजीशन देख लेते हैं, क्या पोजीशन है। ये देखिए, ये नई वाली बैटरी है, देखिए 375, 4375, थोड़ी सी वोल्टेज कम आएगी बीच वाले पॉइंट पे जब आप इस पर माइनस वाला प्रॉब रखेंगे। चलिए अब इस पर देखते हैं, ये पुराने वाली बैटरी है जो फॉल्ट दिखा रही थी, अब यहाँ पे ही देखिए, यहाँ पे ये देखिए इसकी वोल्टेज नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ पे भी बैट ऑन पे इसकी वोल्टेज दिखा रही थी। तो इसलिए आपको भी कहीं कन्फ्यूज़न हो सकती है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, और हो सके मेरी वीडियो देख के आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए अगर इस तरह का कोई फॉल्ट आए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ओके बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।